सो विल गो अहेड विद PYQs ऑफ नीट, पहले नीट एंड देन विल जंप टू JEE मेंस। और इस टाइप का क्वेश्चन, एज यू रिमेम्बर, मैंने आपको CET के बैच में भी बताया था कि सेम टाइप का क्वेश्चन नीट में आने वाला है, जो आया है ऑफ कोर्स। अ रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 cm। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 N? तो एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो आई नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर इज लाइक अ रिंग, और इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर एक रोप को वाइंड किया है। तो यू हैव अ रोप विच इज बाउंडेड ऑन दिस, और देन आप इस रोप को पुल कर रहे हो विथ अ फोर्स ऑफ 30 N। जब आप उसको पुल करोगे विथ अ फोर्स ऑफ 30 N, दिस हॉलो सिलेंडर विल स्टार्ट रोटेटिंग। एंड एज यू नो, रोटेशन के लिए टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो टॉर्क होता है I alpha, लेकिन टॉर्क होता है RF। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, यू हैव I alpha equal to RF, यू हैव alpha equal to RF by I। और अगर आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ हॉलो सिलेंडर इज MR square। RR हो गया कैंसल, तो alpha equal to F upon MR। F इज 30, मास 3 किलोग्राम दिया हुआ है, 3 दिया ना, और आई थिंक इट इज 40 cm। वेरी गुड, अच्छा है। 14 × 10⁻²⁻², मीटर में आ गया। 1s and 10s, तो 10/40 is 1/4, और 10⁻²⁻² ऊपर गया तो 100/4 is 25। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 25 radian per second square। 25 radian per second square, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, 2015 नीट का PYQ। 3 identical spherical shell each of mass m and radius r। तो 3 spherical shell है हमारे पास, मास तीनों का सेम है, रेडियस भी तीनों का सेम है। आर प्लेस एज शोन इन फिगर। कंसिडर एन एक्सिस XX' विच इज टचिंग द टू शेल्स, मतलब दो शेल के लिए ये एक्सिस टेंजेंट है, एंड पासिंग थ्रू डायामीटर ऑफ थर्ड। तो तीसरे शेल के लिए इट इज पासिंग थ्रू डायामीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 spherical shell अबाउट XX' इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो वैसे। आई विल फर्स्ट टेल यू द होल मेथड, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो ऐसा है, एक काम करते हैं, इसमें ना पहले स्पीयर को मैं स्पीयर नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालोगे, तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड स्पीयर और थर्ड स्पीयर, दे बोथ आर सेम, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट। और अगर आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, IC + MH² थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वेयर IC is 2/5 MR² अगर सॉलिड सिलेंडर होगा, सॉलिड स्पीयर होगा, तो 2/3 अगर हॉलो होगा तो। तो क्या बोला है यहाँ पे, शेल बोला है। शेल क्या होता है, हॉलो। तो याद रखना है, ये शेल है, शेल मतलब हॉलो, शेल मतलब क्या होता है, क्या होता है शेल का मतलब, हॉलो। तो IC की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो होगी 2/3 MR² एंड एज यू कैन सी XX' एंड डायामीटर दे आर पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में H की वैल्यू क्या लिखोगे, R। तो यहाँ जाएगा MR² 2/3 + 1 5/3 MR² तो सिस्टम का इनर्शिया जब फाइंड करना होगा, और I1 तो पता ही है ना, व्हाट इज I1? अरे पहले स्पीयर के लिए डायामीटर के अबाउट ही आएगा ना, तो क्या आएगा, 2/3 MR पहले के लिए, और बाकी दो के लिए टेंजेंशियल है। तो 2/3 MR² प्लस 5/3 MR² दो बार, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 5, कितना है, 10 + 2 12/3 MR² मतलब कितना, 4 MR², ऑप्शन सी। अब इसको ऑलरेडी कैसे सॉल्व करते देख लो, कोई सॉल्व नहीं करना था। एक स्पीयर के लिए अबाउट डायामीटर है, मतलब 2/3 MR² हो गया, बाकी दो के लिए टेंजेंशियल है। तो 2/3 + 1
क्योंकि 2/3 mr² प्लस mr² होगा ना, तो 2/3 + 1 5/3 दो बार आएगा तो 10/3 और उसमें 2/3 ऐड होगा तो 12/3 मतलब 4। डन, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। ये क्वेश्चन नीट का भी PYQ है, ये क्वेश्चन JEE का भी PYQ है। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस R एंड मास M, हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस R है, मास M है, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर R हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ऐसे केसेस में पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, मास एम है, इस डिस्क में से आप एक सर्कुलर होल कट कर रहे हो जिसका डायामीटर आर है। गुड, तो फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर यू आर कटिंग आउट अ होल हुज डायामीटर इज आर, मतलब रेडियस इज r/2। गुड, और वो जो तुमने सर्कुलर होल कट किया वो कैसे कट किया, हुज रिम, रिम मतलब बाउंड्री, ये बाउंड्री कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर, तो डिस्क का सेंटर है, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर, उसके सेंटर से ये सर्कुलर होल का रिम पास होता है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क, ठीक है, अब इसके आगे मेरे को आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा। सो द आइडिया हियर इज दिस, हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क है याद रखना, जिसका मास एम है, रेडियस आर है, इसमें से मैंने एक सर्कुलर होल कट कर लिया, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कटिंग आउट अ सर्कुलर होल फ्रॉम हियर, और ये जो सर्कुलर होल हमने कट किया वो कैसा है, वो उसका जो रिम है, उसका जो रिम है मोर और लेस, आई गिव वन लास्ट ट्राई, नहीं तो फिर इमेजिन कर लेना आप, तो उसका जो रिम है, रिम रिम मतलब बाउंड्री, वो डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, मोर और लेस लाइक दिस, ऐसा है, परफेक्ट, गुड। तो आइडिया ऐसा है, अब ये था ओरिजिनल डिस्क, दिस वॉज द ओरिजिनल डिस्क, उसमें से हम लोगों ने कट कर लिया एक होल, तो हमने एक होल कट कर लिया उसमें से, ये कट करके साइड में रख दिया। गुड, तो ये जो ओरिजिनल डिस्क था इसका मास था M और इसका रेडियस था R, इसका डायामीटर है R, तो रेडियस r' इज r/2। अगर मैं पूरे डिस्क का इनर्शिया को I बोलता हूँ और इसको फर्स्ट पार्ट बोलता हूँ, इसको सेकेंड पार्ट बोलता हूँ, तो टोटल इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 प्लस इनर्शिया ऑफ पार्ट 2। आपको बोला है व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब I1 पूछा है, क्या पूछा है आपको, I1, तो I1 कैसे फाइंड करोगे, इट विल बी I - I2, उसमें से I फाइंड करना तो कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, क्या होता है डिस्क रोटेटिंग अबाउट ओन एक्सिस, mr² / 2, सही है। जो तुमने ये पार्ट कट किया, ये पार्ट कहां से रोटेट हो रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द रिम, मतलब टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं तो मैं थोड़ा स्पीड को स्लो डाउन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये ओरिजिनल डिस्क था, उसमें से तुमने एक होल कट कर लिया, डिस्क अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा था, ये रिमेनिंग पार्ट है वो भी अबाउट सेंटर रोटेट होगा, ये जो तुमने होल कट किया वो एक छोटा डिस्क बन गया, वो रोटेट हो रहा है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब ऐसा क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि जो तुमने होल कट किया उसका रिम कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर, मतलब वो टेंजेंट बन गया इसके लिए, सही है। तो जो I2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल डिस्क जिसका मास है m' रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, कैसे फाइंड करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, व्हाट इज द इनर्शिया अबाउट सेंटर, mr² / 2, लेकिन मैं बोलूंगा m' r² / 2 प्लस
एम डैश एच स्क्वेयर, ऐसे करते हैं ना? यस yes. तो आई टू इक्वल टू एम डैश आर डैश स्क्वेयर बाई टू प्लस एम डैश आर डैश स्क्वेयर. क्यों आर डैश स्क्वेयर? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एच इक्वल टू आर डैश है. तो मैंने क्या लिखा? आर डैश. वन बाई टू प्लस वन कितना हो गया? थ्री बाई टू एम डैश आर डैश स्क्वेयर. सही है. अब आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो फाइंड कर सकते हो. कैसे कर सकते हो वो भी नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना क्लास के बाद. बट वी विल नॉट पुट टाइम इन फाइंडिंग आउट मास. सिर्फ ऐसे ट्रिक याद कर लो. एक डिस्क जिसका रेडियस आर था, उसमें से छोटा डिस्क जिसका डायमीटर आर है, ऐसा कट करते हो ना तो ये एम बाई फोर बनता है, राइट? अब ऐसा कैसे आया? तो उसके लिए आपको सरफेस डेंसिटी पता होना चाहिए. डेंसिटी इज मास अपॉन एरिया. तो मास एंड एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वहां से आता है वो. राइट, रेडियस कितना हो गया? आर बाई टू. तो मास कितना होगा? एम बाई फोर, क्योंकि स्क्वायर था. तो अभी ये मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में है, हम लोग पूरा नहीं कर सकते यहाँ पे. एम बाई फोर, आर डैश इज आर बाई टू का स्क्वायर, बराबर. तीन बाय बत्तीस, चार इंटू चार सोलह इंटू दो बत्तीस. तो आई टू कितना आ गया? थ्री बाई थर्टी टू एम आर स्क्वायर. तुमको चाहिए था आई वन, जो है आई माइनस आई टू. आई था एम आर स्क्वायर बाय टू, ऐसे ही था ना? हाँ ऐसे ही था. माइनस थ्री बाई थर्टी टू एम आर स्क्वायर, थर्टी टू में से छः गए, ट्वेंटी सिक्स. 26 एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 32, चलता है, कोई बात नहीं. वन जा एंड 13, तो कितना हो गया? 13 एम आर स्क्वायर बाय 32. 13 एम आर स्क्वायर 32. अब मैं तुमको बताता हूँ ट्रिक. ये सब हमने किया, यस, बट इट विल वेस्ट योर टाइम. क्यों? रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया इज द इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल माइनस द स्मॉलर डिस्क. ओरिजिनल का क्या है? एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो तुमको पता ही है. जो छोटा डिस्क है, इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो भी तुमको पता है. हाफ एम आर स्क्वायर प्लस वन कितना आ गया? थ्री बाई टू एम डैश आर डैश स्क्वायर. थ्री बाई टू एम डैश आर डैश स्क्वायर. एम डैश कितना है? एम बाई फोर. आर डैश कितना है? आर बाई टू. तो आर बाई टू का स्क्वायर कर लिया तो आर स्क्वायर बाई फोर. नीचे आ गया आपके पास दो चार चार, कितना आ गया? थर्टी टू. और ऊपर है तीन, ऊपर तीन था ना? यस, तीन था, तीन. करेक्ट. तो हाफ में से तीन बाय बत्तीस माइनस कर लो, हाफ में से, क्योंकि ओरिजिनल डिस्क एम आर स्क्वायर छोड़ के हाफ नंबर है वहां पे, उसमें से थ्री बाय थर्टी टू माइनस कर लो. थर्टीन बाय थर्टी टू, खत्म. थर्टीन बाय थर्टी टू, डन. तो आगे आपका ऑप्शन बी. तो ये क्वेश्चन पे आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, तो तुम कर लोगे. एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्जर्व, आप देख लो. अब ये इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आई विल लीव इट फॉर यू एज एन असाइनमेंट. असाइनमेंट क्या ही है? एंगुलर मोमेंटम इसका आंसर आएगा. हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिकॉज दिस इज ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप. और ये क्वेश्चन मैं तीन मेथड से हर बैच में बताता हूँ, तो आपको भी वापस तीन मेथड बताऊँगा मैं. मेथड नंबर वन इज फुल मेथड, जिसमें 15 स्टेप्स रहेंगे मोर और लेस. दूसरे में 5-6 स्टेप है. तीसरे में कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर आता है. पॉइंट मासेस एम वन एंड एम टू आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड. रॉड मिसिंग है ऑफ लेंथ एल. तो रिजिड रॉड है जिसका लेंथ एल है, उसके अपोजिट एंड्स पे, एक एंड पे मास m1 है, एक पे m2 है, और रॉड का खुद का मास नहीं है, ऐसा बोला है, नेग्लिजिबल मास. द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट. हमको इस रॉड को रोटेट करवाना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड. द पोजिशन ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का पोजिशन ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum
इज गिवन बाय। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है एल एंड द मास इज नेग्लिजिबल। रॉड का मास नहीं है, मतलब रॉड का इनर्शिया नहीं है। एक एंड पे मास है m1, दूसरे एंड पे मास है m2। अगर m1 और m2 की वैल्यू सेम होती तो एक्सिस पास होता डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास से, करेक्ट। लेकिन मासेस सेम नहीं है, m1 और m2 है, और मुझे इस रॉड को रोटेट करवाना है। आई वॉन्ट टू मेक इट रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ सच दैट इसका एंगुलर स्पीड होना चाहिए ओमेगा ज़ीरो। कितना होना चाहिए? ओमेगा ज़ीरो। अब अगर आपको पता होगा, वैसे पता ही है, मैं आपको लीनियर मोशन से कंपेयर करके बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, उसको मुझे मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एक रॉड है, ये रेस्ट में है, मुझे इसको रोटेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब लीनियर और एंगुलर मोशन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि अगर मुझे इस रॉड को एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करना है, ओमेगा ज़ीरो, राइट, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कितना स्पीड चाहिए इसका? ओमेगा ज़ीरो, ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट ये वैल्यू ऑफ स्पीड कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली हमको रोटेट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में वर्क डिपेंड करता है एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है। आप सेम सिस्टम को विद सेम स्पीड रोटेट करवा सकते हो, बट बाय गिविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क टू इट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि कितना वर्क होना है इसमें। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि मुझे इस सिस्टम को रोटेट करवाना है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ज़ीरो बट विथ मिनिमम वर्क, विथ मिनिमम वर्क। तो वर्क कम से कम होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा बोला हो कि वर्क इज़ मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों में से कोई भी एक, तो इन सच केसेस यू शुड नो डेरिवेटिव ऑफ वर्क विल बी ज़ीरो। डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझा है क्या? रॉड है, रॉड का मास नहीं है, लेकिन दो एंड पे मासेस है m1 एंड m2। मुझे अगर रॉड को रोटेट करवाना है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ज़ीरो तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वर्क कितना, ये डिपेंड करता है एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है। तो आपको पूछा है कि मिनिमम वर्क के लिए एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए, मतलब एक्स डिस्टेंस पूछा है, और रिमेंबर एक्स इज अ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एम वन, ठीक। तो ऐसा सिस्टम था, रॉड था, रॉड के दोनों एंड्स पे मासेस थे, तो यू हैव मासेस, एक मास यहाँ लगा दिया, एक दूसरा मास एम टू यहाँ सेट कर दिया। मान लेते हैं कि एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड एल है, तो पहले मास से डिस्टेंस x है, तो दूसरे से डेफिनेटली l माइनस एक्स होगा। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये पॉइंट है P जहाँ से एक्सिस पास होने वाला है, और ये सिस्टम रोटेट होगा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ज़ीरो। तो रोटेट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क आप कर रहे हो दैट वर्क विल अपीयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। CET के लेक्चर में बताया था मैंने, और हमने 11 में देखा था, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग ऑन सिस्टम विल अपीयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल तो जीरो है क्योंकि सिस्टम वॉज एट रेस्ट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ हाफ आई वन प्लस आई टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर। क्योंकि सिस्टम में दो मासेस है तो दोनों का एनर्जी लेना पड़ेगा। I1 is the inertia of first mass and I2 is the inertia of second mass. तो total inertia लिख दिया, right? और omega naught ये तो था angular speed। जितने speed से rod rotate होगा उतनी angular speed से mass 1 and mass 2 rotate होगा, और initial कितना है? Zero है। क्या आ गया? Half I1। Point mass का inertia कैसे निकालते हो? Mass into distance square। तो m1 x square प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन। गुड। अब वर्क डन मिनिमम होने के लिए, फॉर वर्क टू बी मिनिमम, वर्क मिनिमम होने के लिए डेरिवेटिव ऑफ वर्क शुड बी जीरो। अब प्रॉब्लम ये है कि डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x। क्योंकि अगर तुम एक्सिस शिफ्ट करोगे तो चेंज क्या होगा? x, मतलब वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? x। dw by dx is 0। तो d dx of w
डब्ल्यू, व्हाट इज डब्ल्यू, हाफ एम वन एक्स स्क्वायर प्लस एम टू एल माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में कौन आ गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जो जो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, बाहर निकाले। ओके, अब पहले टर्म का डेरिवेटिव ले लो, फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव ले लो और इक्वल टू जीरो कर दो, और ये वहां पे शिफ्ट करके इसको भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। पहले टर्म में से, पहले डेरिवेटिव में से कौन आउटसाइड आएगा, एम वन, डेरिवेटिव किसका बच गया, एक्स स्क्वायर का। दूसरे में से कौन आएगा, एम टू, डेरिवेटिव किसका आएगा, एल माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल टू जीरो। इसका डेरिवेटिव होता है टू एक्स, तो टू एम वन एक्स, इसका होता है एल माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू इंटू एल माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वही लॉ यूज किया। गुड, तो 2m1x प्लस 2m2l माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ l इज 0 क्योंकि लेंथ इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ माइनस x इज माइनस 1, तो माइनस 1 मतलब बीच का मैंने कर दिया माइनस, ठीक, शिफ्ट शिफ्ट, तो 2m1x इक्वल टू 2m2l माइनस x, 2 तो एम वन एक्स इक्वल टू एम टू एल माइनस एक्स। अभी सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पे x को मैं x1 बोलता हूँ और l माइनस एक्स को मैं x2 बोलता हूँ, तो अभी याद रखना एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, ये काम में आएगा सेकेंड मेथड में। तो यहाँ से हो गया आपका एम वन एक्स इक्वल टू एम टू एल माइनस एम टू एक्स, तो m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l, x कॉमन, m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l, तो x आ गया आपका m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये था मेथड वन, अब जाएंगे मेथड टू पे, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स हमारे पास टाइम नहीं होता है करने का। कितना करोगे, एक क्वेश्चन में सब खत्म। अब इसके लिए मेथड है m इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट, या फिर m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ये शॉर्टकट ट्रिक है। m1 इज m1, x1 इज x, m2 इज m2 बट x2 इज l माइनस x, इसको सिंप्लीफाई करके वापस यहाँ आ जाओगे, ये मेथड टू है। मेथड थ्री, मेथड थ्री इज नो मेथड, इट इज जस्ट अ ट्रिक। क्वेश्चन पढ़ लेना, ऑप्शन में x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू, और ये x डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है, m1 से, कहाँ से हो रहा है, ठीक, बराबर। अब ट्रिक समझ लो, m1 से हो रहा है ना, m1 छोड़ दो, सामने देखो कौन है, कौन है, कितना दूर है, l, तो m2l टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये है ट्रिक। अगर आपको m2 से पूछा होता तो क्या लिखते, M2 छोड़ दो, सामने कौन है, M1, M1 L अपॉन M1 प्लस M2, नो स्टेप्स, कुछ नहीं, डायरेक्ट खत्म। गुड, तो मैं तो बोलूंगा कि ये सब लिख के मतलब ही नहीं बनता, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ट्रिक, हो गया। तो क्योंकि मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब हमको अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए, जाए ना, ओके गुड, वी आर एनी वे शॉर्ट ऑन टाइम। सेवेंथ नंबर, अभी ये क्वेश्चन, इट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न्ड इन द लास्ट क्वेश्चन। लाइट रॉड, मतलब मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेस एम1 एंड एम2 अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एस। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हमारे पास एक रॉड है, मासलेस रॉड है, क्योंकि लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड, उसके एक एंड पे एक मास है m1
दूसरे एंड पे एक मास है एम टू, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, तो यहाँ पे है ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 मान लेता हूँ। ओके, ये x1 है, ये x2 है, और टोटल लेंथ कितना है, L है। आपको क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में इनर्शिया आएगा पहले मास से और दूसरे मास से, रॉड का इनर्शिया लेंगे नहीं क्योंकि रॉड इज लाइट, मासलेस रॉड है। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एम वन एक्स वन स्क्वायर, सेकेंड का एम टू एक्स टू स्क्वायर, क्योंकि इनर्शिया इन जनरल इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, सही है। अभी मैंने बताया था कि एक्स वन, एक्स वन डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो, एम वन से, तो कैसे फाइंड करते हो, सामने देखो, एम वन के सामने देखो कौन है, कितना दूर है, एल अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसका क्या है, स्क्वायर, डन। तो दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग। प्लस प्लस एम टू, एक्स टू डिस्टेंस कहाँ से है, एक्स टू डिस्टेंस एम टू से है ना, तो सामने कौन है, एम वन, कितना दूर है, एल, एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर। तो यह आ गया आपके पास एम वन एम टू स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर, प्लस एम टू एम वन स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन निकलता है, निकाल लो। देखो अभी एम वन एम टू एल, एम वन एम टू एल, एल स्क्वायर तो दोनों में ही है, तो एल स्क्वायर बाहर निकाल लो। एम वन एम टू दोनों में है, यस, तो एम वन और एम टू भी निकाल लो। एम वन निकाल लिया, एल स्क्वायर निकाल लिया, एक एम टू निकाल लिया, तो एक एम टू रह गया, एम टू, यहाँ से M1 निकाल लिया, यस, M2 निकाल लिया, यस, L2 निकाल लिया, यस, तो कौन रह गया, एक M1, सेकेंड टर्म में कौन रह गया, एक M1 रह गया, और नीचे कौन था, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दूँ ना, मैं सिर्फ एक स्टेप कम कर रहा हूँ, M1 M2 स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 स्क्वायर, तो वो स्टेप छोड़ दी मैंने, तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड। तो ये और ये हो गया, तो क्या बचा, एम वन एम टू एल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम वन एम टू एल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने रेगुलर कोर्स में किया है, तो कोई बात नहीं, वापस रिपीट कर लेते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी of length L, mass M is free to rotate about point A. So the rod is free to rotate about point A, matlab the rod is free to rotate about one end. So pata hona chahiye inertia of a rod about one end is ml square by 3. About one end kya hota hai, ml square by 3. The rod is released from rest in horizontal position. To jo rod tha na, wo tha initially in horizontal position, aisa tha. Ab usko release kar diya. Right? तो इट इज़ रोटेटिंग, रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए, यहाँ पे फोर्स कहाँ से आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, ड्यू टू वेट। ओके, तो क्या बोला है, अच्छा बता भी दिया तुमको, गिवन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज रॉड अबाउट ए इज एम एल स्क्वायर बाय 3, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज, आपको अल्फा की वैल्यू पूछी है, सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो गया एक्सेल ऑफ रोटेशन, ये आ गया रॉड, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, गुड। देन ये है उसका सेंटर ऑफ मास, और वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होगा, तो यहाँ पे वेट एक्ट होगा एम जी, मतलब द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन इज एफ इक्वल टू एम जी, और क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड इट वॉज L, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस हो गया L बाय 2। तो अगर आपको याद होगा टॉर्क, टॉर्क होता है I अल्फा, लेकिन टॉर्क होता है RF, तो अल्फा होता है RF बाय I, ये R होता है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म होता है द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है और एक्सिस कहाँ पे है, उन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस तो कितना है, एल बाई टू। तो यहाँ पे एल बाई टू आ गया, तो ये आ गया एल बाई टू, और फोर्स कितना है एम जी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ऐसा बोला ही हुआ है। अब एम एम एल एल कैंसिल हो गया, ये थ्री गया ऊपर, टू आ गया नीचे, तो थ्री जी बाई टू एल, थ्री जी बाई टू एल, थ्री जी बाई टू एल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इनटू 5 बाय 18 कर लेना, मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा, दैट इज 5 बाय 18, 1 का 3 का 15 मीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ द व्हील्स इज 0.45 मीटर and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg meter square. If the wheel is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its brake to the wheel is. Question padhte waqt you have to keep in mind ki kya kya diya hai aur kya pucha hai. Ab kya kya diya hai, inertia de diya, theek hai, value de di inertia ki, radius de diya, speed de diya और टाइम भी दे दिया, और आपको पूछा क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क तो होगा आई अल्फा, सही है, करेक्ट। अल्फा अल्फा होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। ओमेगा फाइनल है जीरो क्योंकि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ओमेगा इनिशियल अभी ऐसा है ना, ओमेगा इनिशियल दिया तो नहीं तुमको, लेकिन वी इक्वल टू आर ओमेगा पता है ना, ओमेगा वी बाय आर, वी बाय आर, वी इज इनिशियल स्पीड, बाय आर, बाय आर, आर इज रेडियस अपॉन टी, हो गया। तो माइनस आना चाहिए क्योंकि रिटार्डिंग टॉर्क है, ये स्पीड कम करने वाला टॉर्क है, तो माइनस आना चाहिए। आई यू बाय आर टी, आई की वैल्यू 3, यू की वैल्यू 15, अभी तो बताया मैंने 54 किलोमीटर पर आर इज 54 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, 1 जा एंड 3 जा, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास सारे वैल्यूज है, तो मैं अभी लिखूंगा नहीं इसको, चलो लिख लिया तो रहने दो, अभी डजंट मैटर रियली। तो यू जस्ट नीड टू पुट दिस वैल्यूज, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस आई, आई की वैल्यू 3 थी, यू की वैल्यू 15 आ गई, रेडियस था 0.45, कितना था 0.45, 45 इंटू 10 टू माइनस टू, और टाइम भी कितना था 15 सेकेंड्स, है ना 15 सेकेंड, यस। तो ऐसा करो, डन, हो गया 1 जा एंड 15 जा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू 100 बाय 15, अभी 15 का टेबल सबको पता है, 15 6 जा कितना होता है 90, और 15 7 का कितना होता है 105, तो 6 और 7 के बीच में 6.66, तो दिस इज 6.66, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10th, नाउ इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये भी क्वेश्चन शायद हमने फुल कोर्स में किया था, अभी ठीक है क्रैश कोर्स में वापस आ गए तो वापस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड रोड नहीं होना चाहिए, रॉड होना चाहिए, क्योंकि रोड का वेट कौन मेजर करता है, रॉड का करते हैं ना, हाँ, तो वो रॉड होना चाहिए, रॉड, इट इज़ नॉट रोड। अ रॉड ऑफ वेट W
इज सपोर्टेड बाई टू पैरेलल नाइफ एजेस। एक रॉड है जिसका वेट W है, उसको हमने दो पैरेलल नाइफ एजेस पे सपोर्ट दे दिया A एंड B, एंड इज इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। द नाइव्स आर एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम A। ओके, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, वेरी गुड। हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड का वेट है W, इसको हमने दो पैरेलल नाइफ एजेस लगा के सपोर्ट दे दिया। ये हो गया एक नाइफ एज और यहां पर आ गया दूसरा नाइफ एज, ठीक। ये A है एंड यहां पे ये B है, इन दोनों का डिस्टेंस D है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A, ऐसा बोला है ना? यस। तो ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये कितना है फिर d माइनस x। वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, क्लियर। और ये जो वेट है ये एक्शन है, किस पे एक्शन है, नाइफ एजेस पे। जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मेरा वेट प्लेटफॉर्म पे क्या है, एक्शन, प्लेटफॉर्म मुझ पर क्या लगेगा, तो फिर A और B पे अगर वेट W एक्शन है तो A और B क्या लगाने वाले हैं, रिएक्शन। तो A हो गया नॉर्मल रिएक्शन, A ने लगा दिया रॉड पे और ये हो गया B ने लगा दिया रॉड पे, तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन A और B, NA और NB, ठीक। तो पहले तो इतना समझ जाना चाहिए था कि रॉड का वेट W, रॉड को तुमने दो पैरेलल नाइफ एजेस पे रखा है, मतलब रॉड का वेट नाइफ एजेस पे एक्शन है और नाइफ एजेस लगाएंगे रिएक्शन। डिस्टेंस बिटवीन द टू नाइफ एजेस वाज डी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A इज x, तो बचा हुआ डिस्टेंस इज डी माइनस x फ्रॉम B। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ लिनियर मोशन तो होगा नहीं, और वैसे भी तुम रोटेशनल डायनामिक्स देख रहे हो तो रोटेशनल मोशन की बात होगी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये कहा जाता है बैलेंस, ठीक। तो इस केस में यू नीड टू अंडरस्टैंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कौन से टॉर्क एक्ट होने वाले हैं, पहले पता होना चाहिए। कौन से टॉर्क एक्ट होंगे, टॉर्क ड्यू टू A एंड B, बस टॉर्क ड्यू टू वेट नहीं आएगा। चलो मैं थोड़ा तुम्हारे लिए काम आसान तो कर लूँ, वेट इक्वल टू NA प्लस NB। तुमको क्या पूछा है, क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, मतलब कौन पूछा है, तो जो भी अगला इक्वेशन बनेगा उसमें NB नहीं चाहिए, क्योंकि आपको NA चाहिए तो NB नहीं चाहिए, तो NB को मुझे इलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले से NB का इक्वेशन बना के रखता हूँ। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऑन B पूछा होता तो NA का इक्वेशन बना के रखता। अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन दिस केस। बताओ, टॉर्क ऑन द राइट इक्वल टॉर्क ऑन द लेफ्ट, टॉर्क ऑन द राइट इज टॉर्क ड्यू टू A एंड टॉर्क ऑन द लेफ्ट इज टॉर्क ड्यू टू B, मतलब एक साइड का टॉर्क इज इक्वल टू दूसरे साइड का टॉर्क, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना, आगे ना। आप बोलोगे वेट का क्या हो गया, बताओ वेट का क्या हो गया, वेट V तो टॉर्क देगा ना, वो कहाँ गया, व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला, जल्दी, आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहाँ से मेजर करते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इस केस में, इस केस में एक्सिस कहाँ से पास होगा, अगर रॉड रोटेट हुआ तो रॉड विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, तो इनर्शिया रॉड का नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्सिस
खुद कहाँ से पास हो रहा है सेंटर, और फोर्स वेट कहाँ लग रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्स मतलब लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो गया, तो इनर्शिया कितना हो गया, जीरो। ओके, तो व्हाट अबाउट टॉर्क ड्यू टू ए, इट इज फोर्स ऑन ए, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है कि नहीं, ए की वजह से टॉर्क, तो ए का फोर्स कितना है एन ए, और डिस्टेंस कितना है एक्स, और बी का टॉर्क एन बी, और डिस्टेंस कितना है बी माइनस एक्स। मैंने बोला था पहले से ए फाइंड करना है ना, तो बी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये एन बी वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयर फोर एन ए एक्स इक्वल टू एन बी, व्हाट इज एन बी, डब्ल्यू माइनस एन ए इंटू डी माइनस एक्स, तो एन ए एक्स इक्वल टू डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस एन ए डी प्लस एन ए एक्स, सही है, बराबर एन एक्स एन एक्स कैंसिल हो गया, गुड। देन आपको क्या चाहिए था, क्या चाहिए, अच्छा फाइंड करना है, एन ए फाइंड करना है ना, तो एन ए वाला टर्म एक साइड पर रख दो और इसको इधर लेके आओ, वो भी W क्या आ जाएगा, W क्या है, W कॉमन आ गया ना, तो D माइनस एक्स, और माइनस एन ए डी इधर आके प्लस हो गया ना, तो एन ए इक्वल टू डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी हो गया ना, W D माइनस एक्स अपॉन डी ऑप्शन सी, तो यू सी इट इज ऑप्शन सी, गुड। अगर N भी पूछा होता तो दो मैथ, ये भी मेरे ख्याल से हमने पहले करके रखा हुआ है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, किया ना, कोई बात नहीं। सो विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 14th, ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी असाइनमेंट फॉर यू। थ्री ऑब्जेक्ट्स, ए विच इज अ सॉलिड स्पीयर, बी विच इज अ थिन सर्कुलर डिस्क, एंड सी विच इज अ सर्कुलर रिंग, ईच हैज सेम मास एंड रेडियस आर, मास और रेडियस तीनों का सेम है, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस फॉर सॉलिड स्पीयर इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब वो डायमीटर बन जाता है, फॉर अ सर्कुलर डिस्क इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, और रिंग के लिए भी इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि तुम्हारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है सॉलिड स्पीयर, एक है सर्कुलर डिस्क, ऑफ कोर्स थिन सर्कुलर डिस्क, और एक है रिंग, तीनों के तीनों रोटेट हो रहे थे विद स्पीड ओमेगा, अगर इसको रेस्ट में लाना है तीनों को तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है तो जितना भी मैं वर्क करता हूँ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाना है तो मैं जो वर्क करता हूँ वो काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट में काम करता है, सही है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सबका सेम था तो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सही है ना, गुड, वेरी गुड। व्हाट इज इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर, 2/5 एम आर स्क्वायर, व्हाट इज इनर्शिया फॉर डिस्क एंड व्हाट इज इनर्शिया फॉर अ रिंग, एम आर स्क्वायर, तो जिसका इनर्शिया सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का है, तो वर्क डन फॉर सी इज द ग्रेटेस्ट क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है, हाफ इज 0.5, 2/5 इज 0.4, तो ऑफकोर्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.4, तो उसके बाद किसका वर्क करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा, अरे बता दो इतना क्यों स्लो चलते हो, सही लिखा है क्या, नहीं लिखा है सही, सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका है, रिंग का, फिर किसका है, बी मतलब डिस्क का, फिर किसका है, और इनर्शिया एंड वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जिसका इनर्शिया ज्यादा उसको वर्क भी ज्यादा लगेगा,
तो सबसे ज्यादा वर्क किसको लगेगा? सी को, फिर किसको? डी को, और फिर किसको? ए को। देख लो, दिख रहा है ऑप्शन ए, खत्म हो गया, डन। बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ जोक, अ सॉलिड स्पीयर इज इन रोलिंग मोशन, एक सॉलिड स्पीयर है जो रोलिंग मोशन में है, इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोलिंग मोशन के में बॉडी के पास होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी KR साइमल्टेनियसली, द रेशियो ऑफ KT इज टू KT प्लस KR फॉर द स्पीयर इज, जोक है जोक, KT मतलब ट्रांसलेशनल, दैट इज हाफ MV स्क्वायर, KT प्लस KR दैट इज टोटल, टोटल होता है अगर याद होगा तो हाफ MV स्क्वायर 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो KT बाय KT प्लस KR ये हो जाएगा हाफ MV स्क्वायर अपॉन हाफ MV स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाफ एमबी स्क्वायर हाफ एमबी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और सॉलिड स्पीयर दिया है ना, सॉलिड स्पीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है? 2/5, तो 1 प्लस 2/5 इज 7/5, तो कितना हो गया? 5/7, ऑप्शन बी खत्म।